नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल माता रानी का पहला पावन नवरात्र है और माँ रमज़ान के पावन रोजे भी चल रहे हैं और ये बताया जा रहा है जो सूत्रों के आधार पर हो सकता 10 तारीख को यानी ईद हो, ईद उल अजहा का त्यौहार हो और साथ ही साथ बताना चाहेंगे और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि किस तरह से यानी कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से एक तोहफा दिया है जम्मू की जनता को, खास करके माता रानी के पावन नवरात्रे के ऊपर बताना चाहेंगे। जम्मू पुलिस की ओर से माता यानी कि जम्मू की जनता को एक तोहफा है, तोहफा ये है लगभग 3,50,000 रुपये के जो अप्रॉक्सीमेटली मोबाइल फ़ोन है रिकवर किए इमरजेंसी सर्विस यूनिट के माध्यम से और साथ ही साथ जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसपी रूरल और एसडीपीओ उनके नेतृत्व में। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जम्मू पुलिस ने 3,50,000 रुपये की अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड कीमत वाले 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आए दिन मोबाइल चोरी का जो मामला है आम हो गया हुआ है। लोग मेहनत की कमाई से अपनी मोबाइल फोन अपने लिए यानी सुविधा ढूंढते हैं और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि उसी के चलते चोर जो है उड़ा कर ले जाते हैं। माजरे चाहते हैं, हमने शुरू में कहा ईद उल फित्र का त्यौहार है जो ईद है, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा तो 2.5 महीने के बाद आती है। फिलहाल पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे आपको। एसपी ग्रामीण यानी एसपी रूरल कार्यालय जम्मू की ईएसयू यानी इमरजेंसी सर्विस यूनिट टीम ने 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र जम्मू के विभिन्न पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों में दर्ज करवाई थी। जैसे ही गुम हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट संबंधित एसएचओ और इंचार्ज जो ही यानी कि आईसीपीपीएस के माध्यम से इमरजेंसी सर्विस यूनिट इकाई तक पहुंची। एसपी ग्रामीण कार्यालय जम्मू की ईएसयू यानी इमरजेंसी सर्विस यूनिट एसपी ग्रामीण कार्यालय जम्मू की ईएसयू इकाई को लापता मोबाइल फोन का पता लगाने का काम सौंपा गया, बताना चाहेंगे आपको। और एसपी ग्रामीण जम्मू के करीबी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षक के तहत यानी कि ईएसयू यानी कि इमरजेंसी सर्विस यूनिट टीम के ईमानदार प्रयासों से जम्मू जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 24 लापता मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। वो बताना चाहेंगे कि संबंधित एसडीपीओ एसएचओ और आईसीपीपीएम बरामद मोबाइल फोनों की अनुमति इनकी मदद से बताना चाहेंगे जो बरामद फोनों की जो एस्टिमेटेड कीमत है लगभग 3,50,000 रुपये की है और इन मोबाइल फोनों की बरामदी के साथ कई मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यानी कई लोगों ने जिन्होंने मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट करवाई थी उन्हें मोबाइल फोनों की जो रिपोर्ट है जो गुमशुदगी की उन्हें बंद कर दिया गया है। जिला के जिन लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन मिले हैं वो पुलिस के बहुत आभारी और उन्हें पुलिस के ईमानदार प्रयासों की सराहना की है। हम ये जरूर कहेंगे जम्मू वेल्डन, जम्मू पुलिस वेल्डन एसपी जो रूरल है और साथ ही साथ एसडीपीओ और उनकी पूरी टीम को, स्पेशली जो बताना चाहेंगे इमरजेंसी सर्विस यूनिट को जिन्होंने लगभग 3,50,000 रुपये एस्टिमेटेड जो है उनके फोन जो कि उन्हें वापस दिया जिनमें 24 फोन बरामद किए गए। और आप आज के महंगाई के दौर में समझ सकते हैं कि इमाम जनता अपनी सुविधा के लिए बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर कोई भी जो आगे पीछे लोग जो है कईयों का बिजनेस ही मोबाइल फोन से ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से होता है तो कितनी परेशानी होती। जो इंसान मेहनत मशक्कत कर अपने लिए सुविधा लेता है और चोर जो है उसे चुरा कर उड़ा कर ले जाते हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स मिसिंग रिपोर्ट्स होती, पर जरूर कहेंगे कि पुलिस के प्रयासों से लगभग माता रानी के पावन नवरात्रों पे पुलिस की ओर से भी तोहफा मिला है जम्मू की जनता को। लगभग 24 फोन जिनकी कीमत 3,50,000 रुपए है उन्हें रिकवर किया गया है और उन्हें जो एसपी जो है रूलन है उनके माध्यम से उनके उनके जो सही हकदार हैं जो उनके मालिक हैं उनके सपुर्द किया गया। हम जरूर कहेंगे वेल्डन जम्मू पुलिस, हमारी जम्मू पुलिस बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं ड्रग तस्करों पर, नशा तस्करों पर शिकंजा कसे हुए हैं, मोबाइल स्मगलर पर शिकंजा कसे हुए हैं और एक जो हिस्ट्री यानी बताना चाहेंगे आपको क्रिमिनल्स की है, गैंगस्टर की एक लिस्ट भी जारी की है सांबा पुलिस की ओर से। और लगातार आप देखिए कि किस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कस ली है। और कमियां हर जगह होती है, कमियां हम में भी हैं, कमियां आप में भी होंगी, पर यह नहीं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन कमियों में वो अच्छा काम छुप जाए। जहां पर पुलिस अच्छा काम कर रही है हम जरूर पुलिस के अच्छे काम की सराहना
सराहना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जनता का हित होगा, जनता का हित जुड़ा होता है। किसी के साथ भी गलत हो, हम वो चीज़ें सामने दर्शाते हैं ताकि वो उसे इम्प्रूव किया जाए, और किसी मजलूम के साथ, किसी मासूम के साथ ना इंसाफी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। तो हमारा कर्तव्य सच को सामने लाना। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे जहाँ पर पुलिस अच्छा काम कर रही है, हम ये ज़रूर कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस वेल डन। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज़ को भी सीज किया जा रहा है, ड्रग माफिया को किस तरह से ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसा जा रहा है, और साथ ही साथ वाइन स्मगलर पर, यानी कि जो ये कहेंगे पशु तस्करी करते हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, और साथ ही साथ कहेंगे अगर कि क्रिमिनल क्राइम्स पर भी किस तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जो गैंगस्टर्स हैं उनकी लिस्ट भी तैयार की गई है, और लगातार जम्मू पुलिस उन पर हल्ला बोले हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो बताना चाहेंगे, एसपी जो रूरल हैं उनकी नेतृत्व में जो इमरजेंसी सर्विस यूनिट है, उन्होंने लगभग 3,50,000 रुपए के मोबाइल फोन है वो बरामद किए हैं और उन लोगों तक पहुंचाए हैं जिन लोगों ने मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी, और फिलहाल कई रिपोर्टों को बंद कर दिया गया है। वेल डन जम्मू पुलिस, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।